नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। कल दीपावली है और आप सभी को सिल्क टीवी परिवार की ओर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो क्या कुछ विशेष है दीपावली पर, आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर में दीपावली को लेकर बाजारों में उमड़ी भीड़, सोमवार को मनाया जाएगा रोशनी का त्योहार। काली पूजा को लेकर मंदिरों और पूजा पंडालों में सारी तैयारी हुई पूरी, कल रात वेदी पर स्थापित होगी मां काली की प्रतिमा। खुले मैदान में पटाखा बेचने की प्रशासन ने दी अनुमति, जिला स्कूल में सजा पटाखा बाजार। रेलवे कर्मियों के बीच रेल यात्री संघ ने बांटा उपहार, कड़ी मेहनत करने वालों के साथ मनाई दीपावली। और शराब के नशे में झोला छाप डॉक्टर गिरफ्तार, भेजे गए जेल। दीपोत्सव दीपावली के अवसर पर की जाने वाली मां लक्ष्मी और भगवान सिद्धि विनायक गणेश की पूजा को लेकर भागलपुर के सभी छोटे बड़े बाजारों में खरीदारी के लिए पुरुष, महिलाओं और युवक युवतियों की भारी भीड़ जुटी रही। एक ओर जहां धनतेरस को लेकर शनिवार को बाजारों में लोगों की भीड़ जुटी रही, वहीं तिथि और पंचांग के अनुसार रविवार को भी लोगों ने धनतेरस, दीपावली और काली पूजा की जमकर खरीदारी की। भागलपुर के खलीफाबाग चौक, वैरायटी चौक, तिलका मांझी, भीकनपुर, सुजागंज समेत सभी बाजारों में मिट्टी का दीपक, डिजाइनर दिए, पूजन सामग्री, सजावट के सामान, फूल फल और तरह तरह के झालर एवं लाइट के दुकानों पर लोगों की खासी भीड़ देखने को मिली। इस दौरान बाजार में हर ओर लोगों की भारी भीड़ जुटी रही, जबकि दो वर्षों के बाद बाजार में खरीदारों की भीड़ जुटने से दुकानदारों में भी उत्साह दिखाई दिया। वहीं प्रशासन की ओर से जगह जगह अर्धसैनिक बल एवं पुलिस की तैनाती देखी गई, जबकि ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू ढंग से संचालित करने के लिए सुरक्षा बल अपनी ड्यूटी में तैनात दिखे। बता दें कि रविवार को देश भर में छोटी दीपावली मनाई जा रही है, जबकि सोमवार को हर्षोल्लास के साथ लक्ष्मी, गणेश और कुबेर की नियम पूर्वक पूजा के साथ दीपावली मनाई जाएगी। कार्तिक मास अमावस्या तिथि की निशा रात्रि को मनाए जाने वाली काली पूजा को लेकर भागलपुर के काली मंदिरों और पूजा पंडालों में सारी तैयारी पूरी की जा चुकी है। इसको लेकर मंदिरों में मां काली की प्रतिमा का रंग रोगन कर रविवार को अंतिम रूप दिया जाता रहा, जबकि पंडाल निर्माण का कार्य भी पूरा कर लिया गया है। एक ओर जहाँ शाकचक स्थित माँ बुढ़िया काली मंदिर में काली पूजा समारोह की तैयारी पूरी कर ली गई है, वहीं पर्वती काली पूजा समिति समेत काली महारानी केंद्रीय काली पूजा महासमिति की ओर से हर्षोल्लास और शांति सद्भाव के साथ पूजा के लिए तैयारी की जा रही है। वहीं भागलपुर के खंजरपुर, घंटाघर, आदमपुर, इसाकचक, मुंदीचक, अलीगंज, मिर्जानहाट और नाथनगर समेत जिले के दर्जनों काली मंदिरों में पूजा को लेकर उत्साह का माहौल है, जबकि इस वर्ष पूजा को लेकर कई विशेष तैयारी भी पूजा समिति की ओर से की गई है। बता दें कि सोमवार की मध्य रात्रि मां काली की प्रतिमा वेदी पर स्थापित कर तांत्रिक विधि से वैदिक मंत्रोच्चार के साथ निशा पूजा की जाएगी, जबकि इसके बाद मंदिरों के पट बंद कर दिए जाएंगे और मंगलवार को सूर्य ग्रहण होने के कारण सूतक काल और सूर्य ग्रहण की समाप्ति पर मंदिर के पट श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। वहीं इसके बाद अहले सुबह से माता की पूजा और बलिदान किया जाएगा। इधर काली पूजा को लेकर मेला की भी तैयारी की गई है। दीपावली को लेकर भागलपुर के बाजारों से इस वर्ष पटाखे पूरी तरह से गायब दिखे, जबकि कुछ महापूर्व काजबली चक में हुए बम धमाके के कारण लाइसेंसधारी पटाखा व्यवसाय को भी बेचने की अनुमति जिला प्रशासन ने नहीं दी थी। हालांकि सोमवार को मनाए जाने वाले दीपावली त्योहार को लेकर भागलपुर प्रशासन ने सभी लाइसेंसधारी छोटे बड़े आतिशबाजों को दो दिन की अनुमति शर्तों के साथ दी है। प्रशासन की ओर से मिली अनुमति के अनुसार अब भागलपुर के जिला स्कूल प्रांगण में रविवार और सोमवार को पटाखा दुकानदार अपनी अस्थायी दुकान लगा सकते हैं। दरअसल सुरक्षा और किसी प्रकार के खतरे से बचाव को लेकर जिला और पुलिस प्रशासन ने खुले मैदान में सावधानियों एवं सुरक्षा के बीच पटाखे बेचने की इजाजत दी है, जहां किसी भी परेशानी से निपटने के लिए अग्निशमन विभाग और पुलिस को तैनात किया गया है। वहीं इसको लेकर जिला स्कूल परिसर में लगे बाजार का जायजा लिया हमारे संवाददाता रविशंकर सिन्हा ने। नमस्कार, मैं हूं रविशंकर सिन्हा और अभी मैं मौजूद हूं यहां भागलपुर के जिला स्कूल प्रांगण में, जहां दीपावली को लेकर पटाखे की दुकान सजाई गई है।
जिला प्रशासन की ओर से पटाखा बेचने की अनुमति नहीं दी गई थी, जिसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही थी और खास करके पटाखा व्यवसाय से जुड़े लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और इन आर्थिक रूप से बड़ा नुकसान भी झेलना पड़ा। हालांकि अंततः जिला प्रशासन की ओर से यह अनुमति मिली है, पुलिस प्रशासन के द्वारा यह अनुमति दी गई है कि भागलपुर के जिला स्कूल प्रांगण में तमाम जो भी लाइसेंसधारी पटाखा व्यवसायी हैं उन्हें यह अनुमति प्रदान की गई है, ये दो दिनों तक यहाँ पर पटाखा और दीपावली से जुड़े जो भी आतिशबाजी है उसको बेच सकें। कम अधिक आवाज़ वाली आतिशबाजी पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन हम यहाँ जानेंगे कि किस तरह का निर्देश दिया गया है और क्या है। जी हेलो, हाँ किस तरह का दिशा निर्देश दिया गया है प्रशासन की ओर से? जिला स्कूल में ही बेचना है और खुले मैदान में, हम लोग खुले मैदान में ही बेच रहे हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। लेकिन शाम में लाइट उठ का कोई व्यवस्था नहीं है, लाइट उठ का व्यवस्था हम लोग को स्वयं करना होगा। क्या निर्देश दिया गया है प्रशासन? निर्देश दिया गया है कि यहीं खुले जगह में जिला हम लोग का जिला स्कूल में दिया गया है तो हम लोग बेच रहे हैं, जैसा प्रशासन का आदेश है वैसा ही कर रहे हैं। क्या असर क्या पड़ा? असर तो बिस्तरी में असर पड़ ही रहा है, सभी लोग यहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं। आपने देखा कि यहाँ अनुमति मिलने के बाद कुछ राहत तो मिली है पटाखा व्यवसायियों को, लेकिन जो इसके पहले से लगातार प्रयास कर रहे थे और उसमें जो नुकसान हुआ उसका जो है खामियाजा भी इन्हें भुगतना पड़ रहा है और काफ़ी नुकसान भी हुआ है, व्यवसाय पे काफ़ी असर भी पड़ा है। आमतौर पे जो आसपास के बाजारों में, छोटे बड़े बाजारों में अगर आतिशबाजी की व्यवस्था होती थी, पटाखा व्यवसायी के पास अगर मिल पाता था तो लोग आसानी से उसे ले पाते थे, लेकिन जिला स्कूल प्रांगण में जो इस अनुमति दी गई है खुले मैदान को देखते हुए, तो इसमें कई लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है और उतने अधिक मात्रा में लोग यहाँ पहुँच नहीं रहे। हालाँकि अनुमति मिलने के बाद फिर भी यहाँ भीड़ भी लोगों की देखी गई है, तो तत्काल जो है ग्रीन दिवाली को लेकर के प्रशासन की ओर से जो दिशा निर्देश दिया गया उसका यहाँ पे उसकी झलक भी देखने को मिल रही है। भागलपुर स्टेशन परिसर में रविवार को केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ के द्वारा दीपावली उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को लेकर संघ के अध्यक्ष विष्णु खेतान ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की भांति उनके द्वारा दीपावली के मौके पर रेलवे स्टेशन में काम करने वाले कुली और रेलवे कर्मचारियों के बीच मिठाई बांटी गई। उन्होंने कहा कि ये सभी लोग दिन रात कड़ी मेहनत और लगन से काम करते हैं और इसी को लेकर संघ और रेलवे पुलिस की ओर से उनके बीच मिठाई बांटी गई। मौके पर रेलवे के कई अधिकारी, पुलिसकर्मी एवं कई बुद्धिजीवी मौजूद थे। प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी भागलपुर रेलवे स्टेशन पर केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ के द्वारा आरपीएफ जीआरपी के साथ साथ हमारे स्टेशन परिसर पर जो कुली भाई हैं, मोची भाई हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उनको संस्था के द्वारा मिठाई और मोमबत्ती दिया का वितरण किया गया। और ये संस्था पूरे भारतवर्ष में नशा खुरानी, जहर खुरानी के लिए जागरूकता अभियान चलाती है। इसी में हमारे आज समाज के कई गण्यमान्य लोग के साथ साथ हमारे रेल प्रशासन के तमाम अधिकारी और आरपीएफ जीआरपी के प्रभारी सभी लोग मौजूद थे, सभी के द्वारा यहां पर उन लोगों के बीच मिठाई बांटकर खुशियां मनाई गई। भागलपुर में होने वाली काली पूजा समारोह बिहार समेत कई राज्यों में प्रसिद्ध है। वहीं इसको लेकर प्रवत्ति काली पूजा समिति द्वारा स्थापित मां काली की प्रतिमा का विशेष स्थान माना जाता है, जहां दूर दूर से दर्शन और पूजन करने के लिए श्रद्धालुओं पहुंचते हैं और यहां पूजा के साथ विसर्जन की खास व्यवस्था की जाती है। बता दें कि पर्वती की बुढ़िया बम काली की प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा में सबसे आगे रहती है, जबकि इनके साथ पर्वती समेत कई पूजा समिति की प्रतिमा भी आगे चलती है, जिसके लिए प्रशासन की ओर से सुरक्षा के विशेष इंतजाम भी किए जाते हैं। वहीं इस वर्ष काली पूजा को लेकर प्रशासन समेत पूजा समिति की विशेष तैयारियों की जानकारी के लिए पर्वती काली पूजा समिति के अध्यक्ष सहकाली महारानी केंद्रीय पूजा महासमिति के मुख्य संरक्षक कामेश्वर प्रसाद यादव से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ईशुराज ने। काली पूजा को लेकर के तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। हम इस वक्त मौजूद हैं भागलपुर के पर्वती माँ बुढ़िया काली महारानी स्थान का नेतृत्व करने वाले अध्यक्ष कामेश्वर प्रसाद यादव जी के घर पर। यहाँ पर हम उनसे बातचीत करेंगे कि इस बार जो काली पूजा है उसको लेकर किस तरह की तैयारी है, क्या कुछ दिशा निर्देश है और सरकारी गाइडलाइन का क्या कुछ निर्देश आया हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए कामेश्वर प्रसाद यादव हैं, जो कि काली महारानी समिति में संरक्षक, वरिष्ठ संरक्षक के तौर पर भी जाने जाते हैं। सर, इस बार बताएँ कि काली पूजा जो कि भागलपुर की काफ़ी प्रसिद्ध मानी जाती है, और इस बार क्या कुछ तैयारियां हैं उसके बारे में बताएं। तैयारी तो कुछ न कुछ तो विशेष हो ही जाता है, साल जब गुजरता है तो कुछ तैयारी तो विशेष हो ही जाता है ना।
विशेष तैयारी है, प्रशासन का भी ठीक ठीक सहयोग है। और अभी तो हम लोग पूजा की तैयारी में हैं, प्रशासन का सहयोग तो उस समय मिलेगा जिसमें हम लोग चलेंगे। तो चलेंगे तो हम लोग 25 को न चलेंगे। सर कहा जाता है लगभग 48 घंटे की शोभा यात्रा होती है और काफ़ी प्रसिद्ध भी माना जाता है। हाँ। इस बार जिला प्रशासन की ओर से क्या कुछ दिशा निर्देश है महासमिति को? दिशा निर्देश तो यही है कि जो डीजे नहीं बजेगा, अशांतिपूर्वक चलें तो शांतिपूर्वक ही चला जाएगा और प्रशासन रहेंगे और अच्छे ढंग से रहेंगे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। अखाड़ा से लेकर के हर चीज़ों की जो अखाड़ा तो खेलने का चीज़ है जी, देखने को मिलती है, देखने को लोगों को शोभा है, काफ़ी लोकप्रिय भी है। हाँ, प्रिय भी है। तो क्या इस बार फिर से उस तरह का? हाँ, तैयारी है, वो तैयारी रुकेगा नहीं। तीन तीन अखाड़ा यहाँ से निकलता है। बीच में देखा जाए सर तो सूतक काल भी है, तो पूजा की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार होने जा रही है? पूजा सूचक के पहले हम लोग पूजा कर लेंगे माँ का, और जब सूचक ग्रहण आ जाएगा पूजा को स्टॉप कर देंगे, पंडित बैठे रहेंगे। जब पंडित का समय खत्म हो जाएगा कि पंडित कहेंगे कि अब सूचक का काम खत्म हो गया, फिर माँ का पट खुल जाएगा, फिर जनता जनार्दन पूजा करना शुरू कर देंगे। इस बार कुछ विशेष शोभा यात्रा में देखने को मिलेगी, क्योंकि 2 साल जो कोविड का था, हाँ, तो कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु हैं उनके मन में भी एक कुमार रहा था। इस बार जो है पूर्ण रूप से कोविड खत्म हो चुका है, किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है, तो क्या कुछ विशेष देखने? इसलिए मेला अधिक से अधिक लोग आएंगे, देखेंगे। हाँ, ये उम्मीद मैं करता हूँ और जनता भी करते हैं। जनता को कोई मैसेज देना चाहेंगे सर? जनता को क्या मैसेज देंगे, वो लोग तो आएंगे दर्शन में। दर्शन कह करके नहीं बुलाया जाता है, श्रद्धा से लोग आते हैं। पार्वती की जो माँ है वो काफी पुरानी मानी जाती है, बहुत पुरानी। तो इसके इनके इतिहास के बारे में कुछ बताएं सर, क्या कुछ है इतिहास? तो देखिए, मेरा उम्र 70 के आसपास है, मैं बाल अवस्था से ही सुनते आया हूँ। चौथा पुष्प भी बता रहा था कि पूजा इसी तरह करते आए हैं, तो इससे मान के चलिए 250-300 बरस पहले पूजा करते आए हैं पूर्वज। आज पूर्वज चले गए, हम लोग आ गए, हम लोग चले जाएंगे, फिर कोई दूसरा आ जाएगा, इसलिए समथिंग मिला जुला करके 300 वर्ष से ऊपर। तमाम तैयारियों को लेकर के विशेष जानकारी दी और शोभा यात्रा को लेकर के भी विशेष चर्चा की। तो सिल्क टीवी के लिए भागलपुर से ईशुराज। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फॉरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। सिल्क टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर ऋषि आनंद, मनोचिकित्सक, आनंद क्लिनिक भागलपुर, आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं धनतेरस त्यौहार की, दिवाली त्यौहार की, काली पूजा की और छठ महापर्व की। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और सभी प्रोटोकॉल का फॉलो करें। दिवाली में इको फ्रेंडली पटाखे बजाएँ और दिया का प्रयोग करें। छठ पूजा में घाट के पास इको फ्रेंडली वातावरण में छठ पूजा करें। सभी सभी को नमस्कार। दीपावली के इस शुभ अवसर पर मैं तमाम लोगों को हृदय से उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये रोशनी का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है। त्यौहार मनाने में आपसी सौहार्द का पूरा ख्याल रखा जाए, गिले शिकवे को भुला दिया जाए और एक ऐसा प्रेम भरा वातावरण रहे कि सही मानों में दिवाली मनाने वालों के घरों में खुशियां पहुंचे और समाज के लोगों को खुशियां मिले, इस उद्देश्य के साथ त्यौहार मनाएं। नमस्कार, प्रणाम। मैं डॉक्टर सुमन सौरभ, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट, संगीता स्पीच एंड हियरिंग केयर, मुंडी चक भागलपुर,
की तरफ से आप समस्त देशवासियों को धनतेरस, दीपावली एवं काली पूजा, छठ पूजा की हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूं और आशा करता हूं कि आप और हम समस्त देशवासियों ये पर्व एकता और एकजुटता के साथ मनाएं और आनंद लें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं कृष्णदेव यादव, क्रिएटिव डायरेक्टर आर्लॉन सैलून एंड एकेडमी भागलपुर। भागलपुर वासियों को दीपावली, धनतेरस और छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारे यहाँ विशेष ऑफर चल रहा है अभी दिवाली छठ पूजा को लेके, सभी सर्विसेज पे आपको 50% डिस्काउंट मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सलाम पीसीसी एवं लैपटॉप मीडिया के तरफ से तमाम शहरवासियों एवं भागलपुर वासियों को अपने तरफ से अभी धनतेरस एवं दीपावली, काली पूजा एवं छठ महापर्व की खूब ढेर सारी शुभकामनाएँ देता हूँ एवं लोगों से ये अपील करता हूँ कि हम लोग ये खुशियों का त्यौहार एक दूसरे के साथ मिलजुल करके मनाएं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं राकेश कुमार निराला, कान नाक गला रोग विशेषज्ञ, ग्लोबल ईएनटी हॉस्पिटल, कोयला डिपो, डिक्सन रोड से। आप सभी भागलपुर वासियों को धनतेरस, दीपावली, काली पूजा एवं छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ। धन्यवाद। मैं आमिर खान, विभाग कलेक्शन की तरफ से आप पूरे भागलपुर शहरवासियों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर कुंदन शाह, संचालक खुशी डेंटल केयर एंड मैक्सिलोफेशियल सेंटर। आप सभी बिहार वासियों को धनतेरस, दीपावली, काली पूजा एवं छठ महापर्व की शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज कुमार, जयनाथ होम्योपैथी क्लिनिक की तरफ से भागलपुर शहरवासियों को दीपावली एवं छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं विजय कुमार मिश्रा, भावना हार्डवेयर, शाह मार्केट, भागलपुर की तरफ से आप सभी शहरवासियों को धनतेरस, दीपावली, काली पूजा एवं छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं गुड्डू कुमार शाह, न्यू बंगाल प्लाई के ऑनर। आप सभी भागलपुर शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। नमस्ते। मैं बादशाह खान, वार्ड नंबर 34 से, हिंदुस्तान के तमाम देशवासियों और वार्ड 34 के तमाम जनता को और भागलपुर के जनता को इस दिवाली त्यौहार के शुभ अवसर पे ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि सभी लोग शांतिपूर्वक त्यौहार मनाएं। जय हिंद, जय भारत। The journey of success has many moments. Some are big, some are small. Some reflect your taste, and some your class. But there is only one that shows you are a class apart. LG OLED, celebration of your success. LG OLED, the one and only. Oh,
कुछ दिन घर के बाहर घर जैसा एहसास चाहिए तो चिंता क्या है। पिछले 20 साल से होटल अपोलो एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड आपकी सेवा में है। यहाँ स्टैंडर्ड प्रीमियम और क्लासिक रूम्स विद मॉडर्न इक्विपमेंट्स और साथ ही इंडियन कॉन्टिनेंटल और चाइनीज खाने का लुत्फ उठाएं हमारे मिनर्वा रेस्टोरेंट में। कोई भी समारोह या कॉन्फ्रेंस के लिए बैंकेट हॉल की भी सुविधाएं उपलब्ध है, तो जरूर आए होटल अपोलो एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड, मल्लागुड़ी, सिलीगुड़ी। होटल अपोलो, हियर एवरी क्यूबिक स्पेस इज अ मिरेकल। जावेद हबीब प्रो अकेडमी एंड सैरून कचेरी चौक नियर भापा होटल एट अत्यवती टावर सेकंड फ्लोर। आपको हमारे यहाँ पर एडवांस सर्विस, एडवांस नर हेयर कट, स्टाइलिंग, कलरिंग, स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग, कैरेटिन, सिस्टीनोर हेयर फॉल ट्रीटमेंट एंड डैंड्रफ ट्रीटमेंट, और यही नहीं एडवांस ब्यूटी में आपको इंस्टा मैनिक्योर, पेडिक्योर, अल्ट्रासोनिक, हाइड्राफेशियल ऑल्सो। मेकअप में भी आपको एसटीएल ब्रश, ट्रांसफॉर्मेशन मेकअप, वाटरप्रूफ मेकअप मिलते हैं। भागलपुर में पहली बार जावेद हबीब अकेडमी ओपन हो गई है, जिसमें एडवांस हेयर ब्यूटी और मेकअप के कोर्स कराए जाते हैं। कोर्स करने के बाद जावेद हबीब का सर्टिफिकेट और 100% जॉब प्लेसमेंट भी मिलते हैं। यहाँ की ओनर मिसेस सुधा पांडे हैं, तो आइए और ऑफर का फायदा उठाइए। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर सबौर थाना क्षेत्र अंतर्गत बाबूपुर मोड़ के पास पुलिस ने शराब पीते झोला छाप डॉक्टर संजय मंडल को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि कुछ माह पूर्व गिरफ्तार फर्जी चिकित्सक ने शराबबंदी को लेकर जिलाधिकारी और SSP के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए जिला प्रशासन को शराबबंदी लागू करवाने में फेल बताया था। इसका वीडियो भी वायरल हुआ था। वहीं अब संजय मंडल खुद ही शराब पीते पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं, जिसकी मेडिकल जांच में भी शराब पिए जाने की पुष्टि हुई है। वहीं इसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार शराबी को कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर उसे जेल भेज दिया गया। भागलपुर के खलीफाबाद चौक पर शनिवार की देर शाम एक अधिवक्ता ने पुलिस के विरोध में हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया। दरअसल पूरे बाजार में धनतेरस को लेकर खरीदारी की भारी भीड़ जुटती रही, जहां किसी कार्य से अधिवक्ता भी पहुंचे थे। लेकिन इसी बीच गाड़ी खड़ी कर बाजार गए अधिवक्ता जब वापस आए तो उनके बाइक की हवा निकली हुई थी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाते हुए अधिवक्ता बीच चौराहे पर ही बैठ गए, जिसके बाद बाजार और वहां मौजूद लोगों के बीच गहमा गहमी का माहौल हो गया। वहीं विरोध जताने वाले अधिवक्ता ने अपना नाम अंजनी दुबे बताया और कहा कि वे धनतेरस की खरीदारी के लिए बाजार आए थे, तभी उनकी गाड़ी का हवा पुलिस ने खोल दिया और शिकायत करने पर पुलिस ने भी उनके साथ बदसलूकी की, जिसके कारण वे धरने पर बैठ गए। अंजनी दुबे का कहना है कि उनकी गाड़ी सड़क किनारे लगी थी और वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने ही गाड़ी की हवा निकाली है, जबकि पुलिस कर्मियों ने इस आरोप को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि उन्हें नहीं पता कि गाड़ी की हवा किसने खोलती है। हालांकि इसके बाद कोतवाली और जोगसर थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और अधिवक्ता को समझाने का प्रयास किया, लेकिन आक्रोशित अधिवक्ता और उनके समर्थकों ने हवा खोलने वाले पुलिस कर्मी के खिलाफ कार्यवाही की मांग पर अड़े रहे। कोर्ट का काम निवृत्त करने के बाद घर गए तो धनतेरस में सब लोग कुछ ना कुछ खरीदते हैं। हम भी तनिष्क गए और चांदी का सिक्का खरीद कर लौटे तो
बोला गया बाजार में गाड़ी नहीं जाती है, तो हम साइड करके गाड़ी लगा दिए इनके कहने पर, और बाजार से आते हैं तो देखते हैं हवा खुला हुआ है, तो पूछे भाई हवा क्यों खोल दिए, तो बोले कि हम हवा नहीं खोले हैं, हमें हवा कैसे खुल गया, आप भरवा दीजिए हवा, तो बोले जो बिगाड़ना है बिगाड़ लीजिए, हम कहें देखिए ऐसे मत कीजिए, हवा क्यों खोलिएगा, ये तो अपराध है ना, बाजार हम लोग नहीं जाएँ। इसी बात पर दो थाना प्रभारी थे, वो बोले जो बिगाड़ना है जाइए बिगाड़ लीजिए, हम बोले ठीक है हम कुछ नहीं कर सकते, यहीं धरना बैठ जाते हैं, और धरना बैठे हमको न्याय मिलेगा, जब तक इन पर कार्रवाई होगी तब तक हम बैठे रहेंगे। भागलपुर के खलीफा बाग चौक स्थित शाह मंजिल के प्रांगण में आयोजित वक्फ 159 की ओर से रविवार की सुबह एक स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया, जिसमें भागलपुर शाह हुसैन मेमोरियल क्लिनिक की ओर से स्वास्थ्य मेला में बड़ी संख्या में रोगियों का चेकअप कर उन्हें निःशुल्क दवा भी दी गई। इस अवसर पर कई सामाजिक कार्यकर्तागण भी उपस्थित थे, जिनका स्वागत खानका पीर दमड़िया शाह के सज्जादनशी और वक्फ शाह इनायत हुसैन 159 के मोतवली सैयद शाह फरूरे आलम इतन द्वारा अंग वस्त्र उड़ाकर किया गया। मौके पर विश्वविद्यालय छपरा के कुलपति डॉक्टर फारूक अली द्वारा हजरत सज्जादनशी और बेस्को सोसाइटी के कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके हेल्थ सेक्टर को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है, यहां अस्पताल और दवाओं की भी कमी है, जिसके लिए इस पर काम किया जाना चाहिए। साथ ही सामाजिक सोच और सामाजिक भलाई बहुत जरूरी है, जिससे समाज को जोड़कर रखा जा सके। इस अवसर पर बेस्को के पदाधिकारी सहमद शाह अली सज्जाद ने कहा कि आज के युग में इस काम के लिए लोगों को जागरूक करना जरूरी है, इसके लिए कार्यक्रम होते रहने चाहिए और लोगों को इसकी सूचना भी मिलती रहनी चाहिए। यह स्वास्थ्य मेला इसलिए लगाया गया है कि मजदूर एवं लाचार लोगों का इलाज हो सके। इस स्वास्थ्य मेला में डॉक्टर वर्षा सिन्हा, डॉक्टर जियाउल हक, डॉक्टर जिया अहमद समेत कई चिकित्सक और सामाजिक कार्यकर्ता सम्मिलित हैं। आज वक्फ सैयद शाह इनायत हुसैन की तरफ से ये स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया था, जहाँ तकरीबन 300 से ज़्यादा पेशेंट आए और उनके दरमियान डॉक्टरों के ज़रिए उनका इलाज तशखीस किया गया और दवाएं वितरण की गई। बहुत सारे शहर के नामी ग्रामी डॉक्टर्स आज आए थे, उन्होंने शिविर में पूरा सहयोग दिया, हम उसके उनके बहुत आभारी हैं। और जो लोग ज़रूरतमंद थे, ख़ास तौर पे समाज के असहाय लोग, उनका इलाज किया गया। और खानका पीर दमड़िया बेस्को जो इसके अंडर में एक NGO है, वो तकरीबन पिछले 18 सालों से हर इतवार के दिन निशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाता है, और आज उसका एक बड़ा कार्यक्रम था। अररिया नगर थाना पुलिस ने 0 माइल के समीप एक लग्जरी कार से 214 किलोग्राम गांजा को जब्त किया। बताया जा रहा है कि बंगाल नंबर की कार के डिक्की से पुलिस को गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत 30 लाख रुपए के करीब बताई जा रही है। वहीं इसको लेकर अररिया SP अशोक कुमार सिंह ने बताया कि इस मामले में पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार निवासी फूल महमूद मियाँ को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। लगभग 10 बजे अररिया थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर 0 माइल और बैरियर मोड़ के नज़दीक एक स्कोडा गाड़ी, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर WB02AL3677 है, जिसे जांच किया गया, तो गाड़ी में 28 पैकेट गांजा, जिसमें कुल 214.5 किलोग्राम गांजा पाया गया, बरामद किया गया है। गाड़ी से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, फूल महमूद मियाँ है, ये दिनहट्टा कुछ बिहार पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। दो मोबाइल भी बरामद है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और इसे फॉलो अप किया जा रहा है। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर में दीपावली को लेकर बाजारों में उमड़ी भीड़, सोमवार को मनाया जाएगा रोशनी का त्योहार। काली पूजा को लेकर मंदिरों और पूजा पंडालों में सारी तैयारी हुई पूरी, कल रात वेदी पर स्थापित होगी मां काली की प्रतिमा। खुले मैदान में पटाखा बेचने की प्रशासन ने दी अनुमति, जिला स्कूल में सजा पटाखा बाजार। रेलवे कर्मियों के बीच रेल यात्री संघ ने बांटा उपहार, कड़ी मेहनत करने वालों के साथ मनाई दीपावली। और शराब के नशे में झोला छाप डॉक्टर गिरफ्तार, भेजे गए जेल। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।